नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जिनकी डीले कम कर दो बिल्कुल, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से करुणा से अपन सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव बीच में भी शिव महापुराण की कथा 7 तारीख वाली होने वाली थी, पर परिवार में कुछ शोक होने के कारण कथा को विराम दे दिया गया था और देव अधिदेव महादेव की कृपा से
भगवान शिव की करुणा दया से पावन शिव महापुराण की कथा आज बीस तारीख से कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धारा से ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बेस बहुत ज्यादा हो रहा है, आवाज फैल रही है, उसको सेट करिए, प्लेन आवाज कर दीजिए, क्लीन। बाबा देव आदिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को भगवान शिव की करुणा से भोले 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 जाना कुबेर का, उसका भजन मात्र जो कुछ आप कर रहे हैं, आपने अगर मंत्र जाप करा है, आपने नाम जाप करा है, आपने एक लोटा पानी चढ़ाया है, आपने एक बेल पत्र चढ़ाई है, तो उसका भी फल शिव देता जरूर। महाराज शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। एक लकड़ी की नाव जब किनारे लगा सकती है तो एक गले में पड़ी हुई डली हुई तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, वो भी भाव पार। आप केवल भजन तो करो, स्मरण तो करो। एक किसी माताजी ने लिखा है, मिंत्रा एंड ऑफ रीजन सेल इज लाइफ। तो क्या गलत बोला,
ये लो। दिल्ली से मंजू गुप्ता कहीं बैठी खड़ी हुई, इन्होंने लिखा है पत्र के अंदर, मैं दिल्ली से आई हूं, मेरी बेटी ने कई बार सीए का एग्जाम दे चुकी थी। माइक दो जरा। अब देखिए, बेल पत्र पर शहद लगाकर चिपकाने का फल क्या है, ये देखिए। श्री शिवाय नमस्तुम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुम। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आई हूँ गुरुजी। दिल्ली से आए हुए। मेरी बेटी 2 साल से बहुत परेशान थी, दो बार अटेम्प्ट दे चुकी थी, दो दो नंबर से रह जाती थी गुरुजी। जी। 200 नंबर लेने होते हैं, कभी 190 कभी 196। बस अब मैं पास हो गई ना? हाँ, बस 10 तारीख को गुरुजी पशुपतिनाथ के व्रत के और बेटी ने बेलपत्री का उपाय किया गुरुजी, 10 तारीख को मेरी बेटी सीए पूरी बन गई। बधाई आपको, बहुत बहुत बेटा, बहुत बहुत बधाई। बस बाबा का धन्यवाद अदा करने आई हूँ गुरुजी। यहाँ पहली बार आए हो? हाँ जी गुरुजी। चलो, आप धन्यवाद देने के लिए पधारे बाबा के धाम, खाली नहीं जाओगे, 3 महीने में बाबा ऑफिस बुला लेगा। गुरुजी मैंने टिकटें पहले ही बुक करा दी थी रिजल्ट आने से पहले, मैंने कहा बाबा तेरी मर्जी। अच्छा, टिकट भी करा ली थी? हाँ जी, उनका रिजल्ट आ, तेरी मर्जी, और बाबा ने बुला लिया। बाबा की कृपा, बहुत बहुत बधाई हो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। लोग कहते हैं महाराज जी, बेलपत्री की बीज पत्ती पे शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ाने का क्या फायदा? मेहनत करो। पूरा वीडियो तो लोग सोशल मीडिया में लाते ही नहीं, आधा काट के आधा चिपका के भेज देते हैं। पूरा तो भेजो कि सीवर वाले महाराज ने क्या बोला है। खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, और आखिरी में जब हिम्मत हार जाओ, जैसे बेटी ने 2 साल सीए का एग्जाम दिया, आखिरी में नहीं, तो फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को जब गई तो ये रिजल्ट सामने आ गया। अभी इसको दिल्ली से कोई ने बुलाया है? आप भजन तो करो, सुधर जाओ रे, नहीं तो सुधर जाओ। अब एक और पत्र बड़ा सुंदर है, देखो कितना जोरदार जोरदार लोग लिख रहे हैं। भगवान आप सबको खूब कृपा करे। देवास से अंतिम सोनी कहीं बैठी? अच्छा, उधर है क्या? देव जरा माइक दो इधर, स्वर्ग पे चढ़ गई रे मीरा। देव जरा। गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला है, मच गया शोर सारी हस्ती में। राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो कुछ लिखा उससे पहले एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है। तेरे दर पे आके पूछे जो मिला है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता। इस भजन की लाइन बड़ी सुंदर लिखी, बाबा ने क्या कृपा करी। मेरी बेटी की 4 साल पहले जॉब छोड़ दी थी शादी की वजह से, बच्चा हो गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर को मेरी बेटी आई थी। कहाँ पर? गुबरेश्वर। आपने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा, तेरी जॉब लग जाएगी, और 20 तारीख को उसने ज्वाइन कर लिया है। वो अभी बड़वानी में है। सरकारी जॉब लगी है? सरकारी जॉब लगी, जो छूट गई थी, जो नामुमकिन थी, वापस मिल गई। बस बाबा की कृपा। और मेरी बेटे की शादी में एक कंकर लेके गई थी, जिसको मैंने शंकर बनाया, और उसको मैंने गार्डन में रखा, और बोल किया कि बाबा तू ही संभालना, मेरा बेटा नहीं है, तू ही सब गण को भेजना और मेरी शादी की सारी व्यवस्था करना। इतने सारे बच्चे आए और सारा काम उन्होंने करा। बाबा की कृपा। महादेव। बहुत सुंदर। और बारिश होने वाली थी, पूरे क्षेत्र में बारिश हुई, बाकी उस गार्डन में और देवास में नहीं हुई। ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है बाबा। विवाह में 21 नवंबर की शादी थी, मैं बाबा को आमंत्रण देने आई थी। नवंबर की थी? 21 नवंबर। जबी कुबेरेश्वर पे खूब बरस रहा था, वही इधर आ गया था राम जी। ये मुझे कुछ भी आफत नहीं आई, एक पैसा का भी आफत नहीं, सारा कर्जा चुक गया। शंभू शंभू। और आकाश महादेव। गोदी में गणपत। पहले तो बधाई हो आप सबको बालकनी में बैठने की, शंभू की कृपा। ओघड़ता नहीं है मेरा शंकर,
फिर निवेदन करूंगा, जहां बैठो, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप। दुनिया के लोग कुछ भी उंगली उठाए, तुम्हारा विश्वास नहीं डिगना चाहिए, भरोसा नहीं डिगना चाहिए। बेल पत्री की बीज पत्ती में शहद लगाने के बाद पेपर भी वही बनाएगा, सेट भी वही करेगा और निकाल के भी वही ले जाएगा। बस तुम उसका विश्वास पकड़ पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, दिल से करो, कर्म करना है अपने को। खूब करो, और आखिरी में अगर कोई रास्ता ना दिखे तब मेरे शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का दया करी दर्शन। आखिरी में बाबा को समर्पित कर दो कि अब कुछ भी नहीं, अब तेरा भरोसा, अब तेरा सा, कोई आए ना आए तुझे फिर वो सा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप भी ये बेलपत्री वाला उपाय जरूर करिए और आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्लीज चैनल अच्छा लगा।